जय माता दी, आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन एक नए प्यारे से वीडियो में। अभी फिलहाल मैं ट्रेन में मौजूद हूँ और आप सब लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे कि आखिर जो ट्रेनें हैं वो कब से वापस से रिज्यूम होंगी, कब से सारी ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी, जो ट्रेनें कैंसिल है या जिनका रूट डाइवर्ट है वो कब से शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको यही आंसर करता था कि जब होगा तो मैं वीडियो बना के आपको जानकारी शेयर करूँगा और सबसे पहले बताने की कोशिश करूँगा कि ट्रेनें जो है वो वापस से रिज्यूम हो रही हैं। आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो भी श्रद्धालु जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और उनकी ट्रेनें कैंसिल थी, उनका रूट डाइवर्ट था, तो अब पूरी तरीके से जो किसान आंदोलन चल रहा था अंबाला में शंभू बॉर्डर पर, उसे हटा दिया गया है। आज थोड़ी देर पहले का ये अपडेट है, आप ऑफिशियल न्यूज़ देख सकते हैं। ये रेलवे द्वारा ऑफिशियल न्यूज़ जारी किया गया है जहाँ पर बताया गया कि किसानों का जो आंदोलन है उसे खत्म किया गया है। 4:59 के आसपास आंदोलन खत्म हुआ है। इसके बाद एक इंस्पेक्शन होता है, रेलवे जब भी कोई ऐसा कोई आंदोलन होता है तो रेलवे एक इंस्पेक्शन करता है, ट्रैक देखता है, मेंटेनेंस करता है। 1-2 घंटे के अंदर ट्रैक मेंटेनेंस होगा और आरपीएफ के मेंटेनेंस होंगे। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद वापस से ट्रेन रिज्यूम होने जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी थी, मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। फिलहाल मैं अभी घर पे जा रहा हूँ, अपने माता रानी के दर्शन हो गए। डिजिटल यात्रा आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, सभी तक शेयर कर दीजिएगा कि बहुत जल्द सारी ट्रेनें फिर से वैसे ही चलने वाली हैं। जो ट्रेन कैंसिल थी वो भी बहुत जल्दी रिज्यूम हो जाएंगी। आप अपनी जानकारी पीएनआर की 139 पे कॉल करके पता कर सकते हैं या फिर आप जो है अपना ट्रेन का रूट और जो भी स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई प्यारी सी वीडियो में। ऐसे जुड़े ही आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।